नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G। दोस्तों, अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो, तो जैसे ही आप अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करोगे, उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फोन को बेहतर तरीके से यूज करना चाहते हो, तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो आइए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। आप अपने फोन के UI को और ज्यादा फास्टर और स्मूदर कर सकते हो, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। यहाँ पे होगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आपको इस पे टैप करके सेट करना है 120 हर्ट्ज पे। इसके अलावा बैक जाना है और यहाँ पे है अल्ट्रा टच। सबसे पहले है स्वाइप स्पीड, आपको सेट करना है अल्ट्रा फास्ट पे, और जो मोशन स्पीड है उसे सेट करना है फास्ट पे। उसके बाद आपके फोन का UI पहले से ज्यादा फास्टर हो जाएगा, आप नोटिस कर पाओगे। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। तो अगर आप इस फीचर को यूज करना चाहते हो अपने फोन में, तो आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पे होगा स्पेशल फंक्शन, इसमें है एक्शन जेस्चर, और फिर आपको टैपिंग बैक पे टैप करना है और आपको इसे ऑन करना है। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा, तो आपने गौर किया होगा, जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करते हो, तो आपका फोन अनलॉक हो जाता है, लॉक भी खुल जाता है, लेकिन आपको एंड में करना होता है स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने फोन को बिना स्वाइप अप किए भी अनलॉक कर पाओगे, उसे कहते हैं डायरेक्ट फेस अनलॉक। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, फेस अनलॉक में, और यहां पे होगा वेन फोन अनलॉक, इस पर टैप कीजिए और आपको सेट करना है अनलॉक डायरेक्टली। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करूंगा, तो मेरा फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक। आप देख सकते हो मुझे अब यहां पे एंड में स्वाइप अप नहीं करना पड़ेगा। आप अपने फोन में YouTube को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आपका फोन लॉक होता है, डिस्प्ले ऑफ होता है, फिर भी आप अपने फोन में YouTube को प्ले कर पाओगे। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में, और यहाँ पे होगा वीडियो असिस्टेंट, आपको इसे ओपन करना है, इसे ऑन करना है, और यहाँ पे जो YouTube है उसे भी ऑन करना है। अगर यहाँ पे YouTube नहीं होता, तो आपको एड मोर पे टैप करना है और यहाँ से आपको YouTube को ऑन करना है। फिर आपको YouTube को ओपन करना है, किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए, फिर आपको किसी भी साइड से करना है स्वाइप एंड होल्ड। इस तरीके से आपको मिलेगा ये वीडियो असिस्टेंट, जिसमें यहाँ पे ऑप्शन होगा प्ले इन द बैकग्राउंड, आपको इस पर टैप करना है। आप देखोगे आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ हो चुका है, फिर भी बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले हो रहा है, यूट्यूब प्ले हो रहा है। क्या आपको पता है, आप बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए आपके फोन में व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो? तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में, सोशल टर्बो में, और यहाँ पे होगा पिक मोड, इसे ओपन कीजिए, इनेबल पिक मोड पे टैप कीजिए, और ये जो ऑप्शन है होना चाहिए ऑन, आपको इसे ऑन करना है। तो अगर आप देखोगे व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने इन दो मैसेज को डिलीट किया है, लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे, तो आपको अगर इन्हें रीड करना हुआ, तो जाना है सेम पिक मोड में। तो पिक मोड को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा वो कॉन्टैक्ट, आपको इसे ओपन करना है। जिन किसी मैसेज को डिलीट किया गया था, यहाँ पे शो किया जाएगा टाइम के साथ, आप उन्हें रीड कर पाओगे इस तरीके से। अगर आप अपने होम पेज पे करोगे स्लाइड डाउन, तो आपको मिलेगा ये क्विक सर्च का ऑप्शन। हालांकि मैं चाहता हूं जब भी मैं अपने फोन के होम पेज पे स्लाइड डाउन करूं, तो मुझे ये कंट्रोल सेंटर शो करे, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे जेस्चर्स में स्लाइड डाउन ऑन लॉन्चर, और आपको सेट करना है नोटिफिकेशन बार पे। इसके बाद अगर आप होम पेज पे करोगे स्लाइड डाउन, तो आपको मिलेगा ये पैनल, फिर आपको करना है स्वाइप इस तरीके से इनके बीच में स्विच करने के लिए। मान लीजिए आपका फोन लॉक है, लेकिन अगर कोई चाहे तो आपके फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे काफी इजीली एक्सेस कर सकता है आपके फोन को बिना अनलॉक किए। इतना नहीं, जो टॉगल्स है उन्हें चेंज भी कर सकता है, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो अगर आप चाहते हो जब आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी इसे एक्सेस ना कर सके, तो आप इसे लॉक स्क्रीन पे ब्लॉक कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन सेंटर में, मोर सेटिंग्स में, स्वाइप डाउन, और आपको इन दोनों को ऑफ करना है। इसके बाद अगर मेरा फोन लॉक होता है, तो अब कोई भी मेरे फोन में जो कंट्रोल सेंटर है उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब मैं अपने फोन को अनलॉक करूंगा, तभी उसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा इस तरीके से। अगर आपने अपने सिम पे डेटा प्लान को एक्टिवेट किया होगा, तो आपको पता होगा हर एक दिन का होता है डेली डेटा लिमिट, जैसे कि 1 GB, 1.5 GB या 2 GB। तो अगर आपको अपने डेटा प्लान को सेट करना है अपने फोन में, तो आपको कंट्रोल सेंटर को ओपन करना है, और यहाँ पे होगा डेटा प्लान का ये ऑप्शन, आपको उस पर टैप करना है, और आपको यहाँ पे जो लिमिट है सेट करनी है इसे ऑन कीजिए। जैसे कि मेरी लिमिट है 2 GB डेली, तो 2 GB, और यहाँ पे करना है आपको GB, फिर ब्लैंक एरिया पे टैप कीजिए। तो आपका डेली लिमिट कितना है और आपने कितना यूज किया है, आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, और कितना डेटा बचा हुआ है आप इस तरीके से उसका अंदाजा लगा पाओगे। अगर आप किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉग इन करते हो, तो आपको एंटर करना होता है पासवर्ड, लेकिन जैसे आप पासवर्ड को एंटर करते हो, तो कुछ मोमेंट के लिए आपके पासवर्ड के लेटर्स शो करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो बगल में अगर कोई बैठा होगा तो जान पाएगा
आपका पासवर्ड क्या है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से लेटर शो ना करे तो आप इन्हें हाइड कर सकते हो हमेशा के लिए। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, और यहाँ पे नीचे होगा मोर का ऑप्शन, और ये रहा शो पासवर्ड, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं पासवर्ड को करूंगा एंटर तो अब मुझे लेटर शो नहीं करेंगे, अब यहाँ पे केवल शो करेंगे डॉट्स एंड डॉट्स। इस फोन में आपको मिलता है बैक लाइट का फीचर, तो अगर आप बैक में देखोगे तो यहाँ पे आपको शो करेंगे 5 लाइन, ये है लाइट के लिए। तो अगर आपको इसे इनेबल करना है तो जाइए सेटिंग्स में, यहाँ पे होगा स्पेशल फंक्शन, और ये है बैक लाइट इफेक्ट्स, इसे ओपन कीजिए, इसे ऑन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग फंक्शंस, जैसे कि इनकमिंग कॉल्स, नोटिफिकेशन, चार्जिंग, स्टार्टअप, मतलब कि आप अपने फोन को जब स्विच ऑन करोगे तब, और गेम्स, मतलब कि जब भी आप किसी गेम को ओपन करोगे तब। इसके अलावा जब भी आप म्यूजिक को प्ले करोगे तो उसके रिदम के हिसाब से लाइट ब्लिंक करता रहेगा। हालांकि आप जो इफेक्ट है उसे चेंज कर सकते हो, आपको टैप करना है। जैसे कि कॉलिंग के लिए अगर आपको चाहिए ब्रीदिंग या मिटियोर या फ्लोइंग लाइट, आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। अलग अलग फंक्शन के लिए आपको मिलते हैं अलग अलग यहाँ पे इफेक्ट। हालांकि जो फीचर है बाय डिफॉल्ट सुबह के 7 से लेकर रात के 10 बजे तक काम करता है, तो अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से टाइम को सेट करना तो आपको जाना है लाइट इफेक्ट ड्यूरेशन में, कस्टम में। तो मैं चाहता हूँ सुबह के 5 से लेकर रात के 11 बजे तक ये फीचर काम करे, तो आपको स्टार्ट टाइम सेट करना है, जैसे कि 5 AM to 11 PM। तो जो मैंने टाइम सेट किया है उस टाइम के दौरान अब ये बैकलाइट का फीचर काम करेगा। इस फोन में आप अपने कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो ऑटोमेटिकली, और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, मतलब कि आप अपने कॉल्स को जब रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन ऐप में, यहाँ पे होगा सेटिंग्स, और ये है ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स, आपको इसे ऑन करना है। अब आपके सारे कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड, और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। मान लीजिए आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, तो ऐसे में अगर आपको अपने फोन में जल्दी से कैमरा या टॉर्च को लॉन्च करना हुआ तो कैसे करोगे? तो आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में, एक्शन एंड जेस्चर में, क्विक स्टार्ट को ओपन करके आपको इसे ऑन करना है। कैमरा को ऑन कीजिए, इसके अलावा जो ओ लिखा हुआ है उस पर टैप कीजिए, टॉगल पे टैप कीजिए, और यहाँ पे करना है फ्लैश लाइट। तो आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, अगर आपको जल्दी से कैमरा को लॉन्च करना हुआ तो ड्रॉ करना है सी इस तरीके से, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा। अगर आपको टॉर्च को लॉन्च करना है तो ड्रॉ कीजिए ओ इस तरीके से, टॉर्च हो जाएगा ऑन। अगर आपको टॉर्च को ऑफ करना है तो ड्रॉ कीजिए फिर से ओ टॉर्च को ऑफ करने के लिए। इस फोन में आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर, तो जब भी आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ करोगे तब आपको मिलेगा इस तरीके से क्लॉक स्टाइल, और आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाओगे। तो अपने फोन में AOD को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, पर्सनलाइजेशन में, और यहाँ पे होगा AOD, आपको मोर पे टैप करना है, इसे ऑन कीजिए AOD को, और आपको अपने हिसाब से कोई भी स्टाइल चूज करनी है, आप अपनी फोटो भी सेट कर पाओगे यहाँ पे। अगर आपको सेट करना है किसी भी स्टाइल को या क्लॉक को तो आपको उस पर टैप करना है, जैसे कि मुझे सेट करनी है ये स्टाइल तो मैं इस पर टैप करूंगा। इसके अलावा आपको कौन कौन से एलिमेंट को शो करना है अपने AOD पे, जैसे कि यहाँ पे डेट, बैटरी और नोटिफिकेशन, अगर आपको इन्हें करना है ऑन तो इन्हें ऑन कीजिए, अप्लाई कीजिए। तो जब भी आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होगा तब आपको मिलेगा इस तरीके से AOD स्टाइल, आप देख सकते हो। हालांकि ये शो करेगा केवल 10 सेकंड के लिए, हमेशा के लिए शो नहीं करेगा। अगर आपको AOD से फिर से ऑन करना हो तो आपको डिस्प्ले पे टैप करना है, इस तरीके से आप AOD को फिर से देख पाओगे। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि अगर आप अपने फोन में डार्क मोड को ऑन करोगे फिर भी जो ऐप्स होंगे डार्क मोड में शो नहीं करेंगे, जैसे कि Amazon आप देखोगे अभी भी इसमें डार्क मोड ऑन नहीं हुआ है। सेम तरीके से अगर आप बात करेंगे Flipkart की तो इसमें भी डार्क मोड शो नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो जो ऐप्स डार्क मोड सपोर्ट नहीं करते वो भी ऐप्स डार्क मोड सपोर्ट करें तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, सभी ऐप्स के लिए आप डार्क मोड को ऑन कर पाओगे। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, माय फोन में, और यहाँ पे लिखा होगा बिल्ड नंबर, आपको इस पर लगातार 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर बैक जाइए, नीचे होगा सिस्टम का ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए, और इसमें होगा डेवलपर ऑप्शंस, इसे ओपन कीजिए। फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे होगा एक ऑप्शन जो है ऑल राइट फोर्स डार्क, ये रहा ऑल राइट फोर्स डार्क, आपको इसे ऑन करना है। फिर आपको Amazon Flipkart को करना है रिस्टार्ट, फिर आप जैसे उन्हें ओपन करोगे फिर से आपको यहाँ पे शो करेगा डार्क मोड, आप देख पा रहे हो Flipkart में डार्क मोड ऑन हो चुका है, सेम तरीके से Amazon में भी डार्क मोड आपको शो करेगा। इस फोन में आपको मिलता है बाईपास चार्जिंग का फीचर, तो गेमिंग करते हुए अगर आप अपने फोन को चार्ज करोगे तो आपके फोन में बैटरी को बाईपास किया जाएगा और आपका फोन होगा डायरेक्ट चार्ज, इससे आपका फोन हीटअप नहीं होगा और आपके फोन में जो बैटरी है उसकी हेल्थ लंबे समय तक अच्छी रहेगी। तो बाईपास चार्जिंग को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में, गेम मोड में, और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा बाईपास चार्जिंग, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद आप बिना किसी टेंशन के अपने फोन में गेमिंग कर पाओगे चार्जिंग करने के दौरान। इस फोन में आपको मिलता है स्मार्ट पैनल का शानदार फीचर, तो जैसे आप अपने फोन के
लेफ्ट या राइट में करोगे स्वाइप एंड होल्ड इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे शो करेगा ये स्मार्ट पैनल। तो यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके पिछले दो रिसेंट एप्स, अलग अलग शॉर्टकट और ये है अलग अलग एप्स। इसके अलावा आप वॉल्यूम को यहाँ से कर पाओगे एडजस्ट वॉल्यूम बटन पे बिना प्रेस किए। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। आपको करना है एडिट पे टैप और यहाँ पे है अलग अलग एप्स और टूल्स, आपको जिसे ऐड करना है उस पर टैप कीजिए। जैसे कि मुझे ऐड करना है बैकग्राउंड कॉल पे, टैप कीजिए पावर बूस्ट पे। ऐप में से मुझे ऐड करना है फ्लिपकार्ट और प्ले स्टोर, इस तरीके से आप ऐड कर पाओगे। रिमूव करने के लिए आपको माइनस के साइन पे टैप करना है इस तरीके से। अगर आपको इनका ऑर्डर चेंज करना है तो आपको लॉन्ग टैप करके ट्रैक करना है इस तरीके से ऑर्डर चेंज करने के लिए। फिर सेव करने के लिए डन कीजिए और किसी भी ऐप को अगर आप ओपन करोगे स्मार्ट पैनल में से तो ये ओपन होगा इस तरीके से पॉपअप विंडो में। आप इसकी साइज भी चेंज कर पाओगे अपने हिसाब से और इसे जहां पे चाहे वहां पे मूव कर पाओगे। इसे मिनिमाइज करने के लिए आपको करना है ड्रैग इस तरीके से कॉर्नर में, ये हो जाएगा मिनिमाइज। फिर से ओपन करने के लिए आपको इस पे टैप करना है और इसे क्लोज करने के लिए क्लोज पे टैप कीजिए। तो इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में, स्मार्ट पैनल में और आपको इसे ऑन करना है। इसके अलावा वॉल्यूम स्लाइडर को भी ऑन कीजिए। आप अपने फोन में चार्जिंग रिमाइंडर को भी ऑन कर सकते हो, मतलब कि जब भी आपका फोन फुल्ली चार्ज होगा आपके फोन में बजेगा एक टोन, ताकि आपको पता चले कि आपका फोन फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, पावर मैराथन में, बैटरी सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा एक ऑप्शन चार्जिंग कंप्लीशन टोन, आपको इसे ऑन करना है। इस फोन में आपको मिलता है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट का फीचर, मतलब कि आपको थ्री फिंगर से करना है स्वाइप डाउन स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए। और अगर आपको कैप्चर करनी है लॉन्ग स्क्रीनशॉट तो आपको करना है स्वाइप डाउन थ्री फिंगर से और यहाँ पे होगा स्क्रॉल का बटन, टैप कीजिए। फिर आपको जितना एरिया कवर करना है उस तरीके से स्वाइप अप कीजिए और फिर आपको करना है डन पे टैप हो जाने के बाद। फिर आपको करना है सेव। फिर आप जाओगे गैलरी में तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्क्रीनशॉट का फोल्डर, यहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट को देख पाओगे। अगर आपको कैप्चर करनी है पार्शियल स्क्रीनशॉट तो आपको थ्री फिंगर से होल्ड करना है टच एंड होल्ड। फिर आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन स्क्वायर के लिए, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर पाओगे या आप इसे कर पाओगे राउंड में, साइज चेंज कर पाओगे या इसे आप कर पाओगे किसी भी फ्री साइज में कोई भी शेप। सेव करने के लिए सेव पे टैप कीजिए। स्क्रीनशॉट के इन सभी फीचर्स को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, स्पेशल फंक्शन में, एक्शन एंड जेस्चर में और यहाँ पे होगा लास्ट में स्क्रीनशॉट, आपको दोनों को ऑन करना है फुल स्क्रीन और पार्शियल। इसके अलावा डिलीट आफ्टर एडिटिंग आपको इसे ऑफ करना है। इस फोन में आपको मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, तो आपको बस इस टॉगल को ऑन करना है। तो ये रहा रिकॉर्डिंग का टॉगल, टैप कीजिए आपके फोन में रिकॉर्डिंग हो जाएगी स्टार्ट, आप इसे जहां पे चाहे वहां पे प्लेस कर पाओगे। लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है कैप्चर होगी 720p फॉर्मेट में, तो अगर आप चाहते हो फुल एचडी में आपके रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो तो आपको इसे एंड करना है। और आपको मिलेगा यहाँ पे सेटिंग्स का आइकन, उस पर टैप कीजिए और यहाँ पे है इमेज क्वालिटी, टैप करके आपको सेट करना है फुल एचडी पे। इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग के दौरान डीएनडी को भी ऑन कर पाओगे। अगर आपने डीएनडी को ऑन कर दिया तो आपके मैसेज या जो भी कॉल्स होंगे ऊपर में इस तरीके से स्क्रीन पे शो नहीं करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को फोन देते हो यूज करने के लिए तो आपको ऑन करना है ऐप पिनिंग का फीचर। इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा आपका एक ही ऐप यूज करेगा, किसी भी दूसरे ऐप में वो एंटर नहीं कर पाएगा। तो इसे ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी में, एडवांस में और यहाँ पे होगा ऐप पिनिंग, आपको इसे ऑन करना है। ओके, अब मैं चाहता हूं मेरे फोन में इसी ऐप को यूज करे, बाकी किसी ऐप को यूज ना करे, तो आपको इसे ओपन करना है ऐप में इस तरीके से और यहाँ पे टैप करना है। ये रहा पिन का फीचर, टैप कीजिए गोट इट। इसके बाद आप इसी ऐप को यूज कर पाओगे। इसके अलावा आप किसी भी ऑप्शन को या फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे, जैसे कि बैक जेस्चर काम नहीं करेंगे, होम पेज पे आप नहीं जा पाओगे, किसी भी ऐप को आप ओपन नहीं कर पाओगे और जो ऊपर में कंट्रोल सेंटर है वो भी काम नहीं करेगा। और अगर आपको इसे अनपिन करना हुआ तो कीजिए बॉटम से स्वाइप अप एंड होल्ड इस तरीके से। फिर जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तभी आपका जो ऐप होगा अनपिन होगा इस तरीके से। दोस्तों, तो ये थी 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके इन्फिनिक्स GT 10 Pro 5G में। इसके बाद आप काफी अच्छी तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।